हेलो, गुड आफ्टरनून। तो आज हम सच धज के कहाँ जा रहे हैं? तो जी हाँ, आज हम जा रहे हैं, हमारी छोटी ननद के लड़के की बारात है, तो बस वहीं के लिए हम अपने घर से निकल चुके हैं और बस अब पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पर हम अपने ननद के घर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ हम छत में बैठे हुए हैं और जो बारात का कार्यक्रम होता है ना, नीचू, तो वही यहाँ पे छत में हो रहा है। और हम मामा मामी का भी कुछ काम होता है, तो वही हम यहाँ पर बैठे हुए हैं छत में। और बहुत ज़्यादा गेस्ट मेहमान आए हुए हैं, तो यहाँ पर मैंने पल्ला कर रखा है, क्योंकि हमारी ननंद के जेठ वगैरह भी थे, बहुत लोग छत में बैठे हुए थे, इस वजह से जो है। तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा वीडियो तो नहीं निकाली, थोड़ा बहुत वीडियो शूट की है। तो ये हाथे में तो हमारा धरो भांजा कुछ जिसकी शादी हो रही है, एक दो नमक तो गांव चावल और देहात में बताशा होता है ना कुछ नीचू, तो आ ये वहां नहीं पर धरा हमारा करते हां हां की बाबू ने दिया नो ले हमारा ये पानी देखे ना पाव घरे घरे फिरा थे नांगनिया आराम से देख। चेयर उधर रखी। शाम का टाइम है और बारात की बस तैयारी हो गई है। तो यहाँ पर हम लोगों के यहाँ देवी जी हर चौरा पे बारात को लेके जाते हैं लड़के के साथ, तो बस वही बारात निकल रही है, तो आप लोग भी इंजॉय करें। यहाँ पर ये देखिए, ये लड़का रेडी हो चुका है बारात के लिए। यहाँ पर हम ये गेस्ट हाउस आ गए थे, तो ऊपर बैठे हुए थे। तो ये हमारी बड़ी ननंद है और ये उनकी बहू है, छोटी बहू। तो यहाँ पे हेलो हाय कर रही थी जो है, और ये बहुत ही सिंपल तरीके से रहती हैं। बल्कि मैं कह रही थी, बहू आप बिल्कुल मेकअप नहीं करे हो, तो कहे मामी जी मुझे पसंद नहीं है। आप लोग देख रहे होगे ना, बहुत सिंपल है और सच में बहुत अच्छी भी है, बोलने चालने का नेचर बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर सारी औरतें यहाँ गेस्ट हाउस में मतलब आ गई हैं घर से, और हम भी आ चुके हैं। हमने यहाँ पे साड़ी चेंज कर लिया है जो है, तो ये नेट की साड़ी है तो पहन लिए थे। और ठंडी ना बहुत ज़्यादा, एक तो मुझे सर्दी ज़ुकाम हमारी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और दोबारा हम मेहंदी लगा लिए थे तो और मुझे ठंड लग गई। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत फ़ोटो भी शूट कराया, और यहाँ पर जयमाल जहाँ पे होना था वहाँ पर हम लोग बैठे हैं। ये हमारी बहू है, हमारी बड़ी ननंद की बहू, मेरी भी बहू। तो यहाँ पर यहाँ हमने थोड़ा सा वीडियो वगैरह शूट किया, हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा था, और मैंने म्यूज़िक सब स्टॉप कर दिया है, बंद कर दिया है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाती है। तो ये है हमारा भांजा, यहाँ पे मतलब जयमाल होने की तैयारी हो रही है एंट्री, अब बस बिटिया का इंतज़ार है। तो ये हमारी छोटी ननंद का लड़का है, तो ये जो है अधिकारी है, तो यहाँ पर ये देखिए बैठा हुआ है। तो बस अब जयमाल की, और हम लोगों को रात में रिटर्न हो आना था, क्योंकि अब हमारे यहाँ समस्या है खाना पीना की। तो बस मेरे हस्बैंड कहे जयमाल हो जाए तो बस निकलते तो हैं। बस तो यहाँ यहाँ पर ये पर ये देखिए, है जयमाल की दुल्हन, तैयारी हो तो बस चुकी है यहाँ और पे लड़की एंट्री की हो एंट्री चुकी है। हो ये हैं चुकी इधर है। इनकी मम्मी जो चश्मा लगाए हैं, उधर उनके पापा हैं और पीछे भाई हैं। तो आपको दुल्हन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। जो नए भाई बहन हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए ठीक है, रखते हैं, और आप लोग भी वीडियो का जो है लीजिए मज़ा। तो यहाँ पर मैंने सारा मतलब म्यूज़िक म्यूट कर दिया था, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो बस यहाँ पर जमाल हो चुका है और यहाँ पे वही सब फ़ोटो वगैरह शूट हो रही है। तो हम लोग भी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा चलो एक फ़ोटो हम लोग भी शूट करा लें। तो मेरे हस्बैंड कहे लेट होगा बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलिए एक फ़ोटो खिंचा लेते हैं यादगार के रूप में। तो बस यहाँ पर जयमाल हो चुका था, वही बस फ़ोटो वगैरह शूट हो रहा था।
तो मैंने इनसे कहा, मैंने कहा चलिए चलते हैं ऊपर, फ़ोटो खिंचा लेते हैं। और यहाँ बिटिया वाले, बेटे वाले सब लोग, दोनों लोग स्टेज पर चढ़े हुए थे। भीड़ जो है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा थी जो है, तो और ठंडी ना बहुत ज़्यादा थी। मैं स्वेटर भी नहीं पहनी हुई थी, लेकिन वही है ना कि आजकल फैशन का दौर है, इंसान ठंडी चाहे जितना भी हो स्वेटर कहाँ पहनता है। तो यहाँ पर ये देखिए जमाल हो चुका है, ये रहे दूल्हा दुल्हन। तो कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो हम भी ऊपर गए थे फ़ोटो वगैरह शूट कराने। हमको लगता है मैंने फ़ोटो नहीं इसमें शामिल किया है, शायद भूल गई हूँ। तो हाँ ये है, यहाँ पर ये मैं हूँ और मेरे हस्बैंड। तो यहाँ पर हम फ़ोटो शूट करा रहे थे, और ये लड़की के पापा हैं और ये मम्मी हैं। तो चलिए ठीक है, उसके बाद हम घर आ गए थे 3:30 बजे। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत फ़ोटो शूट किए थे।